वेलकम बैक टू आवर चैनल बेड टाइम पॉडकास्ट। और फिर एक बार हमारे साथ है आयुष, नील और अंकुर। और जैसे आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो हम लिंक दे देंगे, वो जाके पहले देखना। तो उस ये पर्टिकुलर वीडियो है एक 6 ईयर ओल्ड लड़की के बारे में जिसने जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात की है। तो हमने ऑलरेडी वो टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि इस पोस्ट के कॉमेंट्स के ऊपर कि क्या लोग सोचते हैं और उन्होंने क्या कमेंट्स डाले हैं। तो जैसे अभी आप देख यस, सकते हो कुछ सो कुछ इनिशियल कमेंट्स फ्यू कमेंट्स तो काफी पॉजिटिव हैं ऑब्वियसली। पॉजिटिव है काफी। हाँ सो बट पीपल लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि कमेंट सेक्शन द कमेंट सेक्शन हैज ग्रोन एज एडल्ट मैन ट्रिगर्ड ओवर 6 ईयर ओल्ड आस्किंग फॉर अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स हा। एंड शी इज इवन रॉन्ग। तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे तो हमें लगा कि ऐसे क्या कमेंट्स कर दिए लोगों ने, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो उसके लिए हम बिल्कुल नीचे गए और काफी नेगेटिव वर्ड मिले होंगे उनको शायद। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट सो जैसे है ना, समवन फेमिनिस्ट ज्वाइन द चैट। फेमिनिस्ट ज्वाइन द चैट। क्या करते हैं घर पे दिन भर बैठ के इसे टाइम पास करते हैं क्या? पर क्या, कौन से फेमिनिस्ट ने ज्वाइन किया इसकी चैट को? वो खुद ही फेमिनिस्ट है साला, वो ही ज्वाइन करके लिख दिया उसने। ये पॉइंट हो सकता है, वैलिड पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे दृष्टि उसका भाई साहब बच सकते हैं, अगर भाई साहब ही हैं तो। फिर उसका रिप्लाइज भी देखना, व्यू रिप्लाइज कर एक बार, फेमिनिस्ट ज्वाइन द चैट, हंस रहा है, कोई तो हंस रहा है। प्राउड फेमिनिस्ट समाज ट्रिगर्ड मिसोजिनिस्ट पेट्रियार्की लेफ्ट लेफ्ट द द चैट एंड चैट दैट्स व्हाट वी ऑल नीड। तो नो ओके, तो एड्रेस। यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हुई है। ओहो हाँ, बट बहुत ही और अच्छा किस रिप्लाई दिया है बुरा, उसको, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, मतलब बिल्कुल। कामिंग टाइप रिप्लाई, ऐसा एग्रेशन नहीं। एंड समवन रिप्लाइड ए ओ मिसोजिनिस्ट एंटर द चैट। ओके, सो ऑब्वियसली जब मिसोजिनिस्ट का इसको मतलब क्या होता है भाई, समबडी बता दो पहले। हु हेट्स काइंडनेस। वुमेन, समबडी हु हाँ हेट्स वुमेन या अच्छा, सो प्रोग्रेस मिसोजिनिस्ट। ऑफ अ वुमेन। पर ये बहुत हाँ सारे टर्म्स नहीं आ गए आजकल इंटरनेट की वजह से यार, मेरे को भी बहुत हाँ सारा चीजें पता नहीं। ये सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, फेमिनिस्ट, कास्टिस्ट नहीं और माना कि पीपल वांट, रेसिस्ट। पीपल बिकॉज़ पीपल वांट टू टॉक अबाउट इट अभी, तो इसलिए वर्ड, ऑब्वियसली हाँ वर्ड तो बहुत पहले से है, नई नई नहीं बन रही है मार्केट में। टेल अबाउट मदरलैंड, क्या बोल हाँ, रहे हो फादर भाई? फादरलैंड क्यों नहीं होता, मदरलैंड वैसे शायद से उस सेंस में ओ बोलते अच्छा, ओ अच्छा, जैसे हम मदर सेल, इंडिया, ये अच्छा मदर सेल क्या धरती, होता है? अरे धरती मेरी माँ है तो वो वो तो समझ समझ गया। गया, क्या है मदरलैंड समझ गया, उसको मदर फादरलैंड सेल, करना तो चिपके की मांग कर रहा है मदर सेल वो डॉटर छोड़ सेल पता देंगे। नहीं है तो क्या है। साइरिल मदर भाई सेल क्या साहब, होता है? मदरलैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस धरती ने हमें जन्म दिया है, और जन्म सिर्फ जन्म, एक ही जेंडर दे सकता है, वो है माँ। हाँ उसमें दैट्स व्हाट क्वालिटी मदरलैंड नहीं है। नहीं नहीं उसमें उसमें चलेगी। फादरलैंड तुम्हारे पापा जन्म नहीं दे सकते। नहीं ठीक है, साइंस कह रहा है, साइंस ने आजकल ट्राई किया साइंस है, प्रोग्रेस नहीं किया शायद इसमें, बट नेचुरल नहीं है वो नेचुरल मदर नहीं है, वो सेल डॉटर सेल। आप पर ये वो मदर सेल पता नहीं डॉटर क्या सेल है, तो मेरे को भी नहीं समझा क्या लिखा है प्लीज अगर साइरिल किसी को डॉटर। पता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हाँ हमें तो कोई प्लीज, आइडिया नहीं क्या है। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो चलो मिस अच्छी मुझे ऑर्जिनिस बता। गॉट ट्रिगर्ड। चलो अरे नेक्स्ट, लॉल, मैं ये गए नेक्स्ट वाला कमेंट देख, मतलब नेक्स्ट, उसमें चलते आगे थोड़ा सा। चलते हाँ हैं। ये दिस इज ये व्हाई थोड़ा मेनी ये पीपल डोंट टेक नेगेटिव तो नहीं लग रहा, फेमिनिज्म सीरियसली। में डोमेस्टिक वायलेंस, वेज गैप, वुमेन सेफ्टी, नो नो वॉट्स ऑफ द व्हाट्स अप सिचुएशन वुमेन इज मैनकाइंड एंड मैन। मैनहुड, वे टू मेक मॉकरी आउट ऑफ वुमेन्स इश्यूज। अच्छा अच्छा, ये तो, शी इज अ वुमेन टॉकिंग अबाउट दिस इन अ वेरी मतलब डिफरेंट वे। जेन्यून, वो बोल हाँ, रहे इन अ जेन्यून डिफरेंट इशू वे। के बारे में बात करो रादर देन वो वर्डिंग्स के बारे में। देखिए रिप्लाई इसके क्या है, क्या सीन आई मीन शी हैज अ लोगों वैलिड पॉइंट कि मतलब ये का। बड़े इश्यूज हैं हाँ और हम यहाँ पे सिर्फ वर्ड चेंज करने में लग रहे हैं, मतलब बट वो ही लेकिन ना, स्टार्ट तो छोटे से ही होगी। यहाँ बिल्कुल ये सब हमारे रूट्स में घुसे हुए हैं, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स। तो आई थिंक यही वो भी इसलिए फिक्स लिखा करने है। जरूरी है, अगर हम रूट्स फिक्स कर लें तो ये अपना आप ही चीजें फिक्स होने लगेंगी। इतना टाइम है ना, कांट पर लोगों के पास लगे रहते हैं कमेंट सेक्शन में भी एकदम बी। जम के पूरा। हमारे कोई देख हमारे ले पास कितना कितना टाइम हमारे पास है। कितना टाइम है, हम कमेंट करने में मैं बोलने पड़ते वाला था यार, मैं सोचा कि कोई बेइज्जती ना हो हैं। जाए। अच्छा कमेंट वीडियो चलो, बना रहे हैं और इतने मिल हमसे वेज मिले कोई नहीं। गैप। ओके, तो यहाँ पे थोड़े भड़के हुए इंसान आए दूसरे हैं। दूसरे इश्यूज के बारे में और बात करें, वेज फीमेल्स गैप आर रियली, गेटिंग फीमेल्स आर गेटिंग इक्वल इक्वल वेज वेज विद रिस्पेक्ट विद टू। रेस्पेक्ट टू मेल। ये एक्चुअली तो यार फीमेल्स आर मतलब गेटिंग प्रेफरेंस इन द कंपनी रिस्पेक्टिव सीनियर्स,
No, they are उसको wrong. हाई बोनस नहीं मिला In रहे my यार training, उसको. there are there were 32 players and ये मतलब सताया हुआ अरे बंदा बट है ये तो इसको. यार बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसकी इंडस्ट्री कौन सी है, वो क्या अरे रहा बोलने का है मतलब ये. उसकी जल रही है, कोई बंदी होगी उसके, उसमें वो उसको ज्यादा मिल अरे रहा नहीं, होगा, अच्छा एक काम करी होगी इसमें उसने. सेम चीज ना, एक और था बंदा मैं जानता हूँ, उसको जा रहा था डिलाइट में इंटरव्यू देने, तो उसका हुआ बट बहुत लेट उसको आया, रादर देन उसके साथ में जो लोग थे उनका जल्दी आके वो चली भी गई. ज्वाइनिंग. तो वही ज्वाइनिंग डेट, तो वही बोला कि इनको लड़कियां जल्दी चाहिए थी क्या डिलाइट वालों को, मेरे को इतना लेट क्यों. तो बोला अबे बहुत ही हाँ फालतू चीज है बोलने के सोच. लिए, हाँ बट बट ये पता है पुणे में भी बहुत होता है. मैं भिंजरवाड़ी साइड जहाँ वो आईटी पार्क है, राजीव गांधी इंफोटेक आईटी पार्क, वहां पे जैसे इंफोसिस वगैरह में बहुत बोलते कि अगर इंफोसिस जो है वो ज्यादा करके फीमेल्स लड़कियों को को लेता है. प्रेफरेंस देता है. हाँ, ज्यादा सिलेक्ट करता है हाँ, ये बट वो. मैं वही कहता हूँ यार, मतलब काफी मतलब 19 और के जो लोग बहुत आए हैं हरामी टाइप के ऑब्वियसली. लड़के हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत लड़कियां इन्फोसिस उनको ही चुनते हैं में. ज्यादातर चुनते वही हैं. मतलब इन सबको हटाए चलो तो, बट चलो, मतलब उनका तो ये मोटिव तो अलग है. उनको तो लड़कियां पटानी है, वो उनको ये नहीं है कि जॉब मत दो, उनको बस खूबसूरत लड़के यहाँ पे मिला. उनका मोटिव अलग है. तो यार ये वही है, ये त्रस्त आदमी है. किसी ने उसको एग्री भी किया है. आई नो, आई नो राइट. राइट, ये आई के आर आई डी आर, ये भी बट बहुत हो रहा भाई है. बट वही ना, उसकी जली ऐसी होगी ना, अब वही स्किल मैटर करता ना भाई, उस लड़की के पास होगा उसको मिली रही होगी, तुम्हारे पास नहीं है नहीं मिलेगी, और कैसी थी बात. कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं यार. ये सर योर दोनों, चलो. सिचुएशन सीम्स टू बी एक्सेप्शन नॉट द नॉर्म. अच्छा ये कोई आया हाँ, अच्छा वो तो ऐसे फिर किसी ने आके उसको वेरी मतलब जस्टिफाई कर रही है कि ऐसा हर जगह नहीं होता. चलो रीड द बुक ठीक इनविजिबल वुमेन. नेक्स्ट अभी वो कमेंट करने वाला थोड़ी बैठ के किताब पढ़ेगा यार. चलो ठीक कोई है बात नहीं, आगे बढ़े नेक्स्ट यार. पढ़ लेते हैं. ये हाँ इसमें ये वाली कॉन्वर्सेशन में चलो सब आगे बहुत चलते हैं. बढ़िया. अरे ओ ये बाप बड़ा रे, सा है हाँ भाई, ये क्या है. सूडो. हाँ बहुत सूडो मतलब नकली. हाँ हाँ, डोंट नकली. आस्क डोंट केयर. अच्छा ओके. हाँ, हाँ नहीं, डिडंट आस्क एंड डोंट केयर. सो दिस गाय इज अच्छा, सेइंग कि हमने ना बोला है ये ना गाय है पूछा कि है और गर्ल ना हम है. केयर करते हैं कि गाय वो लग रहा है, गर्ल सरीम इज सरीम सेइंग. नाम तो लड़का ही लग रहा है. लड़का है, लड़का है. तो वो ऑब्वियसली इज लाइक हमने तो मांगे नहीं ऐसे कुछ जवाब तुमसे, और कुछ तुम आगे घुस के इसको ऐसे हाँ तो वीडियो बना भाई रहे हो. वीडियो मत देखना भाई, ये तो आगे इसको बोल रहा बढ़ना. है ना, 6 year old गर्ल के लिए बोल रही है. मतलब हाँ, उसके तेरे को रिप्लाई नहीं का पसंद मतलब वही नहीं. ऑब्वियसली किसी किसी के लिए भी बोलता रहेगा, शायद वो 6 ladies लोग के लिए बोलता रहेगा. बट कोई बात नहीं, नहीं परवाह तुझे, कोई हाँ बात नहीं. हाँ गुड गुड फॉर यू. चलो यहाँ पे एक नया अलग कमेंट है. अ 6 year old इज नॉट फुली डेवलप्ड व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी एंड हाँ टर्म्स. ये मैंने पढ़ा था एक्चुअली. शी सीज मैन एज एन अपोजिट जेंडर टू वुमेन. नाउ व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. दिस कुड बी टैकल्ड बाय एक्सप्लेनिंग द टर्म्स एंड देन सेइंग दैट हियर मैन मेड रिफर्स टू समथिंग आर्टिफिशियल एंड ऑल मैन मेन आर इक्वल इन इज ऑल्सो नॉट अ बैड टर्म. यू कैन ऑल्सो से दैट ऑल वुमेन आर इक्वल टू. ठीक है, वो मतलब एक्सप्लेन करने के बोल रहे हैं कि अपनी बेटी को समझाओ, तुम इसको ऊपर उसका वीडियो क्यों बना रही हो, तो खुद जेंडर का ही वो इंस्टाग्राम हैंडल भी था ना, बिब्लो फिलिक बिफिलिक कोवर्ट. मतलब वो ये कोई बहुत बिब्लो बहुत बिब्लो पढ़ा, फिल किताबें पढ़ते हैं तो बहुत किताबें पढ़ने उनको वाली हैं वो ये, किताबों से प्रेम करती हैं तो वोकैबुलरी तो ऑब्वियसली अच्छी है, इनकी अच्छी होगी. बट ये. हाँ. हम तो एक 6 year old के सोच के हिसाब से सोचेंगे तो ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में तो ऑपोजिट जेंडर्स ही है, मेल फीमेल. बट इट्स इंटरेस्टिंग कि शी बीइंग अ वुमेन, आई गेस इट्स हाँ वही अ वुमेन गर्ल्स ही लग अकाउंट. रही है, और हाँ, उन्होंने उसने भी तो ऐसे इस तरह से सोचा. इस और तरह कमेंट से मतलब कि दिस इज नहीं, इंटरेस्टिंग. उसका कमेंट भी गलत नहीं है, सबके हाँ एक एक वही रेफरेंस है. बट वही. व्हाट शी मींस इज डोंट क्रिएट अ यू आउट ऑफ डिस्टरबेंस इन द नथिंग. सोसाइटी. हाँ तो वो बस इतना ही बोल रही है कि मेन जब यूज कर रहे हैं तो मतलब जेंडर की मेन और वुमेन दोनों को ऐसा हमारे इसमें बोला जाता है, दोनों को इंक्लूड करके वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही है. वैसा अपने बच्चे को एक्सप्लेन करना था, इंस्टेड ऑफ यू नो प्रोवोकिंग की तुम सही बोल बट रही हो मैं हाँ, इसको जैसे गलत बोल अभी तक तो कमेंट्स में दिखा नहीं, रही हूँ. ये तो बहुत बट बड़ा है, मिस कर यू दिया बाकी तो. कैन ऑल्सो से वुमेन आर इक्वल टू टेकिंग एवरीथिंग विद अ फेमिनिस्ट पेट्रियार्क मेल फीमेल हैशटैग इज इन नेसेसरी. बट हाँ, ये वाला जो अभी कमेंट है, इससे और एक चीज ये नहीं आती कि एज अ पेरेंट कि उसकी मॉम ने शूट करके छोड़ दिया सोशल मीडिया पर, तो वो थोड़ा ये नहीं कि इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग हर मतलब हाँ अभी पता नहीं, ऑब्वियसली वीडियो क्या खत्म होगा. होने के बाद बिहाइंड द कैमरा वगैरह उन्होंने बैठ के सब ये जो इन्होंने जो लिखा ऑब्वियसली है इतना, ये सब समझाया समझाया भी होगा, होगा. बिल्कुल समझाया होगा. और आई थिंक
वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि दे हैव टू हाईलाइट। और अगर तुम्हें एक एग्जांपल पता होगा एक अच्छा इसमें ना जब ये भी अवेयरनेस की बात थी ना, जैसे तुमने बोला कि ये वीडियो इससे बनानी पड़ेगी कि उनको अवेयर करना, बहुत सारे लोगों को ये उल्टा भी लगता है कि आजकल ये पेरेंट्स ऐसे वीडियोस बना रहे हैं अपने बच्चों को बोल रहे हैं फुटेज फुटेज लेने के लिए, व्यूज के लिए वगैरह, मतलब अभी पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, अपने को पता नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। दोनों साइड से बोलने वाले लोग हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो बोल रहे हैं, तो दिख ही रहा है हमें कितने तरीके से बोलने वाले लोग हैं। मैं तो बल्कि दो क्या मतलब इतने तरीके से बोलने वाले लोग दिख रहे हैं हर एंगल से आ रहे हैं। तो एक 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 वीडियो है अगर तुमने किसी ने देखी हो, एक ऑस्ट्रेलियन बॉय है, लड़का है शायद 7-8 साल का, और वो बुली हुआ था स्कूल में, एंड ही इज लाइक सुपर फ्रस्ट्रेटेड एंड ही इज लाइक शाउटिंग आई वांट टू किल माय सेल्फ, आई वांट टू किल माय सेल्फ मॉम, और वो रो रहा है और उसकी मॉम उसकी वीडियो बना रही है। तो किसी के लोग कुछ लोग कंसर्न हुए कि अरे बहुत बुरा होता है, बुली नहीं होना चाहिए, स्कूल शुड टेक एक्शन, और दूसरी तरफ कमेंट आ रहे हैं ये कैसी माँ है ये वीडियो बनाने लग रही, बेटे को चुप नहीं करा रही। तो इस तरह के तो लोग कमेंट्स करेंगे करेंगे, और आई थिंक उस वीडियो की वजह से लेकिन काफी हेल्प हुई, स्कूल का डिजाइन काफी चेंज हुआ, उसमें फिर कितने लोग बुली हो रहे हैं उन सबको देखने लगे, और मतलब चीजें बदलती हैं, लेकिन ऐसा होना मतलब ऐसा हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट आई फील। नहीं सही है, सही सही बोल रहा हूं। मेन इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन आर सो क्यूट, थैंक्स। मैं तो हूं नहीं लेकिन कमेंट सेक्शन में, लेकिन बट ईगो ईगो हर्ट हो गए बेचारी बेचारों की। उन्होंने बोला और ईगो हर्ट वाली बात पर सही में लोगों का ईगो हर्ट हुआ रहेगा ना, तो फट से चढ़ गए रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं क्या कमेंट पर जा रहा हूँ, कमेंट बॉम्ब उड़ा देने वाले भी तो आजकल क्या बोलते हैं वो इंटरनेट वर्ड, क्या वो कमेंट करने वाले के लिए इंटरनेट एक वर्ड है ना, कीबोर्ड वॉरियर्स। हां कीबोर्ड वॉरियर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स। अच्छा कीबोर्ड वॉरियर्स क्या बात कर दी यार, ये तो बहुत पुराना वर्ड हो गया। वो पुराना है क्या ये? अच्छा कीबोर्ड वॉरियर्स तो काफी हाई आ गए। इट्स नॉट ईगो, इट इज जस्ट अननेसेसरी। अननेसेसरी, ओके ठीक है। और यहां पे कोई एक और है, नो इट्स नॉट पॉइंटलेस रियली, should we change entire legal code from he to he her they, it's ridiculous। okay to mujhe samajh nahi aa raha, wo bol rahe pura inka concept jo hai vocabulary matlab ya kuch words badalne ka, wo pura ka pura hi ridiculous hai। to kya matlab ye bola jata hai ki sari language gender neutral kar do, legal code वो आई गेस ही इज टॉकिंग अबाउट, इज ही टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं लीगल कोड, एंटायर लीगल कोड, लीगल कोड आई थिंक वो कोई लीग, अरे बट लीगल हां जहां ही मैन यूज हुआ होगा ना वहां पहुंच गए। हाँ, क्योंकि लीगल पेपर जो होता है ना कि कंपनी या किसी उसको ही या उससे इट से ऐसे कुछ डिनोट करते हैं दोनों में भी उससे, पता नहीं तो ये तो बात आ गई पूरी लैंग्वेज चेंज करने की। अब ये तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब अरे ये वो वाला आर्गुमेंट है कि अगर जैसे कोई कपल हाथ पकड़ के घूम रहा है तो उसको कोई टोकता है ना कि आप हाथ पकड़ के क्यों घूम रहे हो, तो आप फिर वो लोग अगर आर्ग्यू करेंगे कि अरे तो उसमें क्या हो गया, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं या हम दोनों दोस्त है या जो भी, हाथ पकड़ने में ऐसा क्या बुरा है, तो फिर उनको चुप कराने के लिए क्या आर्गुमेंट अलग ही लेवल पे ले जाते ना, एक काम करो दोनों नंगे हो जाओ यहीं को शादी कर लो। ये कमेंट मेरे को वो वाला लग रहा है, हर जगह जहाँ ही है वहां घुस घुस के चेंज करवाएंगे। तो फिर वो उसने रिप्लाई किया है उस पे, मैं बीकानेर में था तो मेरी क्रिकेट टीम थी, मतलब हम लड़कों की क्रिकेट टीम थी, और एक एक दो लड़कियां थी उनको भी क्रिकेट खेलने का बड़ा होता, हमें भी खेला, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थे, मतलब स्कूल ने कुछ ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया कि जहाँ पे लड़कियों को भी बोला कि हाँ तुम भी अपनी क्रिकेट टीम लेके आओ,
ऐसा कुछ इवेंट ही नहीं हो रहा था, अरे मतलब अभी ऑल्दो तक इंटरेस्ट ही देख नहीं रहे आ हो रहा, ना, ऑल्दो इंटरेस्ट वही नहीं ना आ रहा, इंटरेस्ट नहीं है ना, तो फिर नहीं इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट लेकिन इट्स जिनको अबाउट कि इंटरेस्ट है यू वो हैव भी टू मेक। परस्यू नहीं कर पा रहे। हाँ अरे बट टीम पे जैसे होता है ना, अभी लाइक भी तो अगर देख रहे हो ना, 24 लोग अभी नहीं होंगे करंट तो कैसे खेल पाऊंगे क्रिकेट। नहीं, नहीं वो तो स्कूल्स ठीक को है, ना, स्कूल्स को यू हैव टू मेक रूल्स कि सबको आना ही है, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, तो इंटरेस्ट अपना बनता है। अगर अरे किसी क्या लड़की ने बात कर रहा ट्राई है, नहीं, मैं तो चाहता था खेलने के लिए, वो खेलने नहीं देते थे कभी भी, कोई भी टीम में तो नहीं लिया। तू वो इतना अच्छा नहीं होगा खिलाड़ी नहीं था, ना। तेरे पास तो नहीं ऑप्शन ही नहीं था। नहीं पर जैसे अभी तू करंट वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम देख ले, जैसे शेफाली वर्मा का भी वही स्टोरी है ना, कि शी वाज प्लेइंग एज अ बॉय फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या ओनली विद वो कुछ तो भी ऐसा कुछ स्टोरी है उनके। एग्जैक्टली हाँ, मुझे तो वी मे यूज्ड टू मेक हर प्ले विद अस, उसका नाम नेहा शर्मा आई रिमेम्बर, तो हमारे साथ खेलती थी और वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराती थी। हमने हमें कभी इमेजिन नहीं करा कि कोई लड़की हाथ घुमा के बॉलिंग करा सकती है, और मतलब ये हमें, मतलब हम बच्चे तो उस टाइम पर लगा अरे लड़कियों की बॉलिंग करा रही है, तो ये इनइक्वालिटी है सोसाइटी के साथ। खैर ये है तो तो बहुत, ये तो आई थिंक एंडलेस कोई है स्टोरी है, साला। पता नहीं कब तक हम हाँ चलता अंकुर रहेगा ये। शर्मा ओके एक्चुअली आ गए फेक फेमिनिज्म झाड़ने, फेक तो फेमिनिज्म। ठीक कोई है, नहीं लोग ठीक है, कोई दुखी नहीं हैं, छोड़ छोड़ो, बहुत बहुत सारे लड़के बहुत दुखी हैं। दुखी ये है। सब फेक अकाउंट्स होते हैं क्या, क्योंकि इनके नाम नहीं अजीब से लगते हैं। अरे बहुत तो सारे अपने, ये होते भी कूल नाम होंगे, है, पता नहीं होते ये कूल भी नाम होंगे। है, कौन सा कूल ये सारे नाम एंड कूल हैं, ऑकवर्ड बहुत कूल। इडियट, एन ऑकवर्ड इडियट, तो तो ये ये बिल्कुल फेक ही अजीब लग है रहा नाम। नहीं, होगा बिल्कुल फेक फेक, नहीं होगा। अपने को क्या पता है यार। अब जैसे अगर मैं खोल के देख लेता हूँ, ऐसे तो गलत बात है मैं ऐसे खोलना, जैसे एक इसकी सेकंड, कोई भी पोस्ट प्राइवेट नहीं है है, तो सिर्फ 5 फॉलोवर है, प्राइवेट है। ओके सॉरी, फेक ही रखा है इट्स मैंने। वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। ओके चलो, वो सिर्फ कमेंट करने के लिए अकाउंट है उसका, एक्चुअल रियल अकाउंट कुछ और होगा, उससे वो तो कीबोर्ड फिर वो वॉरियर भी नहीं बनता है। उससे, अरे यार वो भी हो सकता है, ऐसा भी करते हो लोग, पर पता नहीं। ये वाले इसके में तो बहुत लगे बाबा हुए यार, ये 83 कमेंट्स स्टोन पड़ गए। स्टोन स्टोन एथिस तो मतलब बहुत बातें कर रही है, मतलब ये तो सही लगी में लगी पड़ी कीबोर्ड, है एकदम। क्या वर्ड वर्ड बोलते हैं ये तुम, ये ये सच, कीबोर्ड ये वॉरियर, सच की, सच की कीबोर्ड कीबोर्ड वॉरियर, वॉरियर दैट्स है। द छोड़ना नहीं थिंग। है उसको, आज सारी महिलाओं को जिम्मा उठा लिया उसने, जिता के ही रहेगी कमेंट सेक्शन। बहुत बहुत मेहनत कर रही बहुत है। बड़ा, बहुत ज्यादा हाँ गुड, अच्छा अच्छा है, लगे रहो। हाँ पर सही, क्यों लेकिन बड़ा बड़ा इतना। इंटरेस्टिंग सा वो है इसका हैंडल, स्टोन एथियस्ट, तो स्टोन से मैं समझ आऊंगा कि स्टोन वाला स्टोन और एथियस्ट। ओके ठीक और दिस BS बुलशिट अगेन। ओके तो ये बीएस वाला शायद, बुलशिट हाँ, होता तो ये वाला है शायद ये से तो। जो साइबर 7.1 जो भी इनका नाम है, ये मेरे को लग रहा है वो तेरा वाला जो हिसाब तूने बोला ना फेक है, और या नहीं तो आई फिर डोंट तो थिंक अलग सो, अलग। क्योंकि फेक अकाउंट्स इतने स्मार्ट नहीं होते कि मतलब कि ऐसे ऐसे कमेंट्स कर लें, और इसने देख डिकॉर्ड की वीडियो डाली है, डिस्कॉर्ड की मतलब, और यहाँ पे एलन मस्क के लिंक बारे में डाला बात कर रहा है हुआ, यार, पॉसिबल ये सब रियल अकाउंट होते हैं, क्योंकि फेक अकाउंट्स वो होते हैं पर मतलब फिर भी ये अनोनिमस है ना, ओ खुद डोंट की। क्लिक ऑन माई स्टोरी, यू विल बी सरप्राइज, ओ नहीं चेक माई बायो। नहीं पर मेरा फेक से मतलब है कि अनोनिमस है ना ये लोग, कि एक अपने एनोनिमस ट्रू सब आइडेंटिटी वगैरह वगैरह तेरा रिवील नहीं कर तेरा रहे। जैसे अभी तेरा नेक्स्ट इंस्टाग्राम अगर हैंडल तुम क्या है? देखेगा, मैंने अपना नाम रखा है आकाश माने। अरे नॉर्मली आयुष का देखो, फोटो, मिस्टर फूडी, मिस्टर फूडी है। अरे ठीक है, हाँ लेकिन उसका फोटो रहेगा, तू प्रोफाइल में जाएगा तो उसके बारे में लेकिन तुझे ये सब पता चल तो, जाएगा। लेकिन ये सब चीजें तो कंट्रोल में जैसे नहीं अभी है तू तो। इनके नीचे जा रहा है, जस्ट कमेंट देख ले, टीना तानिया का, तो ये लग रहा है ना कि शी इज पुटिंग हर सेल्फ आउट देयर। वो लोग ऐसे अभी आइडेंटिटी वही है, प्रॉब्लम अभी क्या ना, ये हम लोग तो बैठ के, लड़के लड़कों के कमेंट्स तो ये देख कितने छोटे छोटे हैं, क्योंकि दे डोंट हैव अ रियल आर्गुमेंट, दे आर जस्ट पिस्ड, नॉट दिस ओ फक दिस बुलशिट अगेन। तो वही ये चीज या ईगो तो पे तुम फिर हुआ। लॉजिकल लॉजिकल बात करो, तो वो लड़कियों के पास ही, तो इसलिए लड़कियों के बड़े 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 कमेंट आ रहे हैं, लड़के इतने इतने से रीडिंग कमेंट कर रहे हैं और मतलब गाली देके निकल जा रहे हैं। द ट्रिगर्ड कमेंट्स लाइक पॉपकॉर्न, आई एम ग्लैड द न्यू जनरेशन इज रियलाइजिंग सिंस दे आर चिल्ड्रन द वर्ल्ड इज चेंजिंग। हाँ तो यही तो हम भी कह वर्ल्ड चेंजिंग, रहे दिस इज वर्ल्ड चेंजिंग, थे। यस वर्ल्ड इज चेंजिंग, यही चलो हमारा भाई, टेक है इस पे। चलो फिर चलो, बहुत बहुत सारे बहुत कमेंट्स वैसे हैं, तो बहुत बहुत, ज्यादा बहुत कितने सारे ज्यादा कमेंट्स हैं, इतना तो हम लोग नहीं कवर कर है सकते। अच्छा ये वाला एक देख ले बस, जाता था, इसका नाम भी आकाश है तो इसलिए मेरा ध्यान तो। गया उधर। फेमिनिस्ट जंपिंग जंपिंग विद द विद द फॉलोइंग फॉलोइंग कमेंट्स ट्रिगर्ड ट्रिगर्ड मी मेलिको मेरी को पेट्रियार्की पेट्रियार्की ग्लोरी। लॉल, क्या रे तो आकाश, आकाश ऐसा क्या सब तुम कमेंट सहमत कर करते रहा हो? है।
यहाँ पॉडकास्ट में कुछ बोल रहा है, वहां जाके फेक अकाउंट से कुछ और ही बता रहा था। क्या क्या ही बोले इसको, इसके इसने ही सारे अपना ये डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा बना लिया ताकि मेरे को कोई आके बोलने से पहले कि ये सारी चीजें तुम मुझे बोलोगे मुझे पहले से पता है, क्योंकि मेरे पास मेल ईगो भी है और मैं ट्रिगर भी हूँ। चलो फिर रैप करते हैं इसको, और अगर आपके भी कोई कमेंट है तो प्लीज डाले, हम भी उनको भी वापस भी एक वीडियो बना दे अगर बहुत सारे कमेंट हुए हमारी अच्छे खावा देख रहा। हाँ भाई आयुष आयुष बोल और आल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट। हाँ बिल्कुल, और कोई भी वीडियो आइडियाज हो तो प्लीज आल्सो मेंशन इन द कमेंट्स कीजिएगा। और जो जनरली लाइकिंग व्हाट वी डू तो प्लीज शेयर करें, ठीक है, और बाकी जैसे ठीक है ठीक है चलो भाई ठीक है। हाँ चलो ओके चलो गाइस ओके चलो बाय 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 बाय।